तो गाइज वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। अभी मैं कृष्णा को ट्यूशन से छोड़ करके आई हूँ और बस मैं जा रही हूँ नेल पेंट लगाने के लिए। आप लोगों ने बोला था कि दीदी नेल आर्ट कैसे किया था। कुछ लोगों के कमेंट आए थे बहुत झूठ बोलती हैं, ये नेल आर्ट करवाने गई थी। भैया नेल आर्ट हम करवाने नहीं जाते, हम खुद करते हैं, इतना पैसा नहीं है मेरे पास में, ठीक है। तो एक ये इस टाइप की स्टिक्स, ये स्टोन आता है जिस पे आप अपने कलर्स को निकाल करके यूज़ कर सकते हैं, कलर मिक्स मैच करके, ठीक है। एक मैं ये वाले यूज़ करती हूँ टूल्स और डिज़ाइन बनाने के लिए। इसमें दो तरीके से होते हैं, एक तो आपका इस साइड से होता है, एक इस साइड से होता है, ठीक है। तो यूज़ेस बताती रहूँगी धीरे धीरे, बहुत कुछ नहीं बता सकती हूँ गाइस, क्योंकि मेरा जो चैनल है, मेरा जो टॉपिक है वो अलग है मेरे चैनल से, है ना। तो फिर मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं सिखा पाऊँगी आप लोग को। और ये मैं यूज़ करती हूँ ब्रशेस, ठीक है। तो नेल पेंट कैसे लगाना है वो भी बताती हूँ, और मुझे इंस्टा पर भी डालना है तो इसका शॉर्ट वीडियो बना करके डालूंगी इंस्टा पर, ठीक है। नेल पेंट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ब्रांड दिखा देती हूँ। एक तो है ये हमारा लैक्मी का, मैं ब्रांड ही यूज़ करती हूँ, मैं लोकल यूज़ नहीं करती हूँ। ये है हमारा जूशी कंपनी का, ये है फेसेस कनाडा का, और एक ये है हमारा फैशन का, फैशन हाई, ठीक है, फैशन हाई शाइन करके है। तो ये सारे ही मेरे ब्रांड वाले नेल पेंट हैं, मतलब लोकल नहीं, ठीक है। आप लोगों को मैंने इससे पहले भी दिखाया था, और अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सबसे पहले कोट लगा लूँगी, ठीक है। तो चलो मैं कोट लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ ड्राई करके, है ना। तो क्या होगा कि आगे का काम कर पाएंगे, क्योंकि ना कृष्णा को लेने भी जाना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करती हूँ, जैसे ही मुझे नेल रिमूव नेल एक मिनट स्टैंड लगा दूँ पहले, जैसे कि मुझे ना नेल पेंट लगाना होता है, तो मेरे जो नेल पेंट्स होते हैं ब्रांड के, अगर आप यूज़ करते हो ना, तो ये आपके एक एक महीने चल जाते हैं आराम से। एक एक महीने कह रही हूँ, सॉरी यार गलती हो गई, एक हफ्ते चल जाते हैं, आपको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो एक एक हफ्ते आपके ये चल जाते हैं। तो क्या करना है अभी हमें, हम लगाएंगे ऑयल। ये मैंने अपना ऑयल बनाया है नेल के लिए, क्योंकि ना मेरे ना नेल टूट जाते थे, बीच से ब्रेक हो जाते थे, ठीक है। तो ये ऑयल मैंने बनाया हुआ है, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहो तो आप परचेज़ भी कर सकते हो, अगर आप घर पे बनाना चाहो तो घर पे भी बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे हमारे ये नेल है, हमने नेल रिमूव कर लिया, मतलब नेल जो नेल पेंट थी वो रिमूव कर लिया, और उसको रिमूव करने के बाद से हम इस तरीके से इसमें ये ऑयल लगा लेंगे, ठीक है। और ऑयल लगाने के बाद से हम थोड़ा सा इसको थोड़ी देर के लिए मसाज कर लेंगे, जैसे कि हमारे जो नेल हैं वो टूटेंगे नहीं, है ना, मजबूत रहेंगे, शाइनिंग आती रहेगी, ठीक है। क्योंकि हमें तो हमेशा नेल पेंट लगा के रहना पड़ता है, मुझे वीडियो बनानी पड़ती है, और वैसे भी अगर आप खाली नेल छोड़ते हो तो वो आपके टूटते हैं, फंसते हैं, क्योंकि वो वीक हो जाते हैं, उन पर लेयरिंग नहीं होती है। इसलिए क्या करना है, आपको हमेशा नेल पेंट लगा के रखना है, चाहो तो आप न्यूड नेल पेंट लगाओ, बट नेल पेंट लगा के रखो, उसको कवर करके रखो, प्रोटेक्शन दे करके रखो, दैट्स। इस तरीके से आपको मसाज करनी होती है। ये मेरे खुद के नेल है, ठीक है, नकली नेल नहीं है, मेरे पास कुछ भी नकली नहीं है, सब कुछ ओरिजिनल है और अपना, ठीक है। आईलैश मैं करवाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि सबको मेरे क्वेश्चंस के आंसर की जरूरत रहती है। और बहुत सारे बोलते हैं नहीं आप झूठ बोलती हैं, आप झूठ बोलती हैं, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मुझे झूठ पसंद ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा, अब हम लोग इस पर जो है ये बनाना कैसे ये बता देते हैं। आपको लेना है 50 ml के करीब, 50 ml के करीब बादाम का तेल, उसमें आपको डाल देना है 1 चम्मच आपका मेथी, ठीक है, और 1 चम्मच आपको डाल देना है अदरक को घिस करके, ठीक, और 1 चम्मच आप इसमें डाल देंगे सेसमी, तिल आता है सफ़ेद वाला वो डाल दीजिएगा। और उसके बाद से आपको इसमें गिन के डालना है 2 से 3 अखरोट पीस करके पाउडर बनाकर, डबल बॉयलर मेथड से इसको हीट करना 10 मिनट के लिए, छान लीजिए, आपका तेल रेडी है। आप इसमें 2 से 3 बूंद टी ट्री एसेंचुरल डाल दीजिए, या जो भी आपके पास एसेंचुरल है वो डाल दीजिए, मैं यूज़ करती हूँ सिट्रोनेला एसेंचुरल, ठीक है। तो चलो मैं बेस कोट लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। एक दो बूंद यहाँ पर गिर गया है, इसको क्लीन कर देते हैं। तो भाई मेहनत करनी पड़ती है और सब कुछ सीखना पड़ता है। अगर आपको किसी चीज़ से प्यार है ना, तो वो मैं कहूँगी कि उस चीज़ को अचीव करने में लगो। उठे उठे मैं बच्ची उठी, आ देखो बीबी उठा मेरा, बीबी का कुकुई कुकुई कुछ भी नहीं मरा, सो जाओ, परेशान नहीं करो, टू टू की कटोरी टू टू की कटोरी टू टू की कटोरी।
लाडो भाई जुट गई है। तो मैं ना कृष्णा को पहले ट्यूशन से ले आती हूँ, क्योंकि ना 7 बजने वाला है, इसका टाइम हो गया, फिर आकर के लगाऊंगी। इतनी देर में ये हो जाएगा। और थोड़ा सा इसको फाइल कर लेते हैं, जैसे कि आपके नेल ना जैसे लंबे होते हैं तो वो मुड़ जाते हैं अंदर की तरफ, तो फिर वो मुड़ते हैं ना तो फंसना शुरू हो जाते हैं, और फंसते ही फिर वो टूट जाते हैं। ठीक है, तो चलो मैं इसका वीडियो डालूंगी कि कौन सा डिज़ाइन बना रही हूँ आज मैं, है ना, और फिर आप लोग देख लीजिएगा। बाय। आ गया। और लाडो देखो कैसे खेल रही है। लाडो क्या कर रही हो? लाडू कहाँ जा रहे हो? लकड़ी वाला डोर लगाओ, फिर मैं दूध बना रही हूँ आपका। तो आज ट्यूशन में क्या पढ़े थे? ऐसा थोड़ी गई। अभी मैंने बस खाना बनाया है फटाफट से, और मैं और कृष्णा और लाडो जा रहे हैं, इनका जूता खराब हो गया है, मतलब छोटा हो गया है, तो वही लेने जा रहे हैं। और मैंने अपने फेस पर आज किया है फेस मास्क, बहुत सुंदर सा, और वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। देखो फेस का कलर और गले का कलर है ना डिफरेंट, तो बहुत अच्छा है ये। 6 बार लगाया है मैंने इसको, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो चलो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी। सो गाइज, हम अभी जा रहे हैं कृष्णा का शूज लेने, खाना बन गया है, बस जाकर के रोटी बनाऊंगी। लाडू को देखो, लड़के देखो ना, ये कृष्णा। हाँ भैया, मैंने तो अपनी फरारी ले ली है। चलो ठीक। सो गाइज, यहाँ पर ना मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि ये देखो लाडो के यहाँ पर बाल नहीं है, और बहुत दूर तक ऐसे थे कि इसके बाल नहीं थे। अब मैंने यहाँ पर जब इसको क्लीन किया, क्लीन करने के बाद से इसको मैं चिया सीड और लेवेंडर और थाइम का ऑयल यूज़ कर रही हूँ, तो पोर्स ओपन होना शुरू हो गए, और एक पोर से 7 से 8 बाल आना शुरू हुए, छोटे छोटे। वो आप लोग को नहीं दिखेंगे, मैं कोशिश कर रही थी दिखाने के लिए बट नहीं दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से होते हैं, बेबी हेयर आ रहे होते हैं, पोर्स ओपन हो रहे होते हैं ना, तो पूरा क्लियरली वो दिखते नहीं है, इसलिए आप लोग को वो दिखेंगे नहीं। ठीक है, तो जब यहाँ पर ग्रोथ होगी तो आप लोग को ऑलरेडी बाल दिखना शुरू हो जाएंगे, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बाल दिखने से मतलब होना चाहिए। तो मैं फिर आप लोग को वही चीज़ें दिखा रही हूँ, और मैं क्या क्या चीज़ें कर रही हूँ। कहते हैं ना कि जब हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं और हमें रिजल्ट आता है, तो लोगों को देख करके लगता है वाह क्या लगाया आपने अपने बालों में, वाह कितने अच्छे रिजल्ट है, तो वो करने से होता है, मेहनत करने से होता है ना, वाह करने से नहीं होता है। लोगों को उसके अंदर मेहनत नहीं दिखती है, बस लोगों को ये रहता है क्या लगाया आपने, आप क्या लगाते हो अपने बालों में, बस ये पूछते, तो इससे काम नहीं चलता है, करना पड़ता है। जब आप मेहनत करते हो ना, तो आपको वो सब कुछ मिलता है जो आप चाहते हो, जो आप ख्वाहिश रखते हो। तो बस क्या करो, फोकस करना शुरू करो, फोकस करोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। कल इसका मैं आप लोग को सेकेंड पार्ट डालूंगी लाडो के स्कैल्प का, और आप लोग देखिएगा ये जो पोर्स ओपन हुए हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्ट लाने से हुए हैं, और इस पर मैं जो ऑयल यूज़ कर रही हूँ वो ऑयल भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। देखिए कितने सारे पोर्स ओपन हो चुके हैं इसके, बहुत लाइट हेयर थे इसके, और अभी इसके भारी हो जाएंगे। अभी मैं इसको गंजा करती रहूंगी पूरी इस गर्मी, तो इसको मैं गंजा ही रखूंगी, उसके बाद से इसके बालों की लेंथ पर फोकस करेंगे। लेंथ में ज्यादा नहीं रखूंगी, सिर्फ शोल्डर तक रखूंगी, जब ये बड़ी होगी तो जिसको इसको जहां तक लेंथ रखनी हो वहां तक रखेगी। लेंथ मायने नहीं रखती है, आपके गंजे सिर पर, आपके सर पर बाल होने चाहिए, चाहे आप वो शोल्डर तक रखिए, चाहे वह आप वेस्ट तक रखिए, चाहे वह आप नी लेंथ रखिए, जहां तक आपको रखना है, बस बालों की थिकनेस पर फोकस कीजिए, जितनी हो जाए उतना अच्छा है, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कृष्णा और राशि ऑफिस चले गए हैं, मैं जा रही हूँ हेयर पैक लगाने के लिए, सारा काम निपट चुका है, मैं हेयर पैक लगाकर वॉश करूँगी, वॉश करके फिर मुझे वीडियो शूट करनी है, तो आप लोगों से मिलती हूँ। और नेल आर्ट शेयर करूँगी, बेस लगा लिया है, एक उंगली में नहीं लगाया है, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे इनके नाखून ही नहीं है, नकली नाखून है, इसलिए उन्होंने बेस लगा लिया है दिखाने के लिए जुड़ने का, तो ये मेरे खुद के नाखून है। ठीक है, तो चलो मैं पैक लगा लूँ पहले। सो गाइज, अब यहाँ पर मैं लगाऊंगी अपना हेयर मास्क, तो मैंने आप लोग के साथ में ये वाला हेयर मास्क शेयर किया है, जिसमें मैंने नीम, जटा मासी और आप लोग के साथ में कॉफ़ी पाउडर, आंवला पाउडर, रीठा, शिका का, ये सब चीज़ें बताई हैं, बीटरूट, ये सारी चीज़ें आप डाल करके यूज़ करिए, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैंने अपने बालों की कटिंग करके छोटा कर दिया है, पूरे फ्लोर लेंथ बाल हो गए थे मेरे, आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा। अभी मैंने बालों को छोटा कर दिया काट करके, क्योंकि ना पतले बाल थे तो अच्छे नहीं लग रहे थे, तो इसलिए मैंने काट लिया था। ठीक है, और आप लोग भी इस तरीके से केयर करते रहिए, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, जब आप मेहनत करोगे तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने बालों में वही वाला मास्क लगा रही थी। देखो आपको क्या करना है ना, सबसे पहले अपने बालों को कंघी कर लेना, कंघी करके आपके जो बाल होते हैं वो सुलझ जाते हैं, क्योंकि देखो हेयर वॉश करना होता है हमें आफ्टर हेयर पैक, और पैक इस तरह से फंस जाता है, निकलता भी नहीं, तो फिर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, क्योंकि आपके बाल एक तो उलझे हुए हैं और आपने एक तो अपने बालों में पैक लगाया हुआ है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें हो गई आपकी, तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बालों को कोम कर लीजिए, कोम करके सुलझा लीजिए, सुलझाने के बाद से टोनर लगा लीजिए, और अपना हेयर मास्क रात में बनाकर रखिए, जब आप रात में बना के रखते हैं ना तो बहुत अच्छा रहता है। अब यहाँ पर लाडो भी, और आप लोग देखिए बालों में थिकनेस कितनी अच्छी है। ठीक है, तो मेहनत करते रहेंगे तो रिजल्ट आएगा। अभी बहुत सारे लोग पूछेंगे यहाँ पर आप टोनर कौन सा यूज़ करनी, तो मैंने आप लोग को बहुत बार ही बताया है, मैं नया नया चीज़ यूज़ करती हूँ,
जिससे कि मुझे आप लोग के साथ में और हमारे जो पास मेंबर्स होते हैं, हमारे पास में बहुत सारे लोगों ने 1 ईयर की मेंबरशिप ली है, 6 मंथ की मेंबरशिप ली हुई है, तो उनको हमें रेमेडीज बतानी होती है, हमें उनको रूटीन देना होता है 1 महीना, तो हमें ना कुछ चीज़ें यूज़ करनी होती, क्योंकि इतने सारे कस्टमर हैं तो सबको कुछ ना कुछ बताना होता है। तो जैसे कि हमने कोई चीज़ यूज़ करी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं दीदी कोई दिक्कत नहीं है हमें बता दीजिए, तो फिर बहुत सारे लोगों को मैं ये चीज़ें करवाती हूँ तो उनको रिजल्ट्स आते हैं, तो वो बताते हैं कि दीदी ये रिजल्ट आया है, ये फोटो है, ये अब की है, ये अब कल की है, ये परसों की है, ये 1-2 महीने के बाद की है, ये 3 महीने की है। तो इससे क्या होता है कि लोगों को धीरे 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 बालों में इंप्रूवमेंट देखना शुरू होता है और इस तरीके से हम एक दूसरों की हेल्प कर पाते हैं ना। तो अभी आप लोग देखो मैंने अपना वेट कितना कम किया है, मेहनत करोगे तो वेट भी कम होगा, मेहनत करोगे तो स्किन भी अच्छी होगी, मेहनत करोगे तो हेल्थ भी अच्छी होगी। अभी बज रहा है 4:15 बाकी है और मैं आप लोग के साथ में ये वॉइस ओवर करके कृष्णा को जाऊँगी 4:30 ट्यूशन छोड़ने। उससे पहले मैं लूँगी अपना बायोटीन का ड्रिंक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अपलोड करने के बाद से आगे का इसके पार्ट्स चाहिए होंगे तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा। बस 30-40 कमेंट भी होंगे ना कि हाँ दीदी आगे का जो वीडियो है वो कंटिन्यू करिए, तो मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम करना है। मैंने आप लोग के साथ में बोला था शेयर करूंगी, मैंने अपना शैम्पू भी बनाया, टोनर भी बनाया, ऑयल भी बनाया है नया, ठीक है, और अपना रिंस वाटर भी बनाया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी बनाई हैं और अभी मैं आप लोग के साथ में ये धीरे धीरे शेयर करूंगी, ठीक है। देखो मैं पूरा प्रॉपर नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मैं प्रॉपर जो है ना पूरा चैनल पर लेकर के आऊँगी, है ना, क्योंकि मैं आप लोगों को ब्लॉग चैनल पर भी बताऊंगी, फिर नया हमारा जो मेन चैनल वहाँ पर भी बताऊंगी, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोग के साथ में वहीं पर शेयर करूंगी पूरा प्रॉपर अच्छे से शो करके, ठीक है। हाँ बेटा पी लो ना पानी, कृष्णा करो ना काम, जल्दी करो, 4 बज गया, ये वाला करो, जल्दी करो, उसके पीछे भी एक पन्ना है। तो अब यहाँ पर मैं कृष्णा को स्कूल का काम भी करवा रही हूँ साथ में, बेटा कर लो यार, मैं थोड़ी देर के लिए फोन दे दूंगी, पहले इसको खत्म करो फटाफट से। मैं देख रही हूँ कि आप फर्स्ट आते हो कि मैं फर्स्ट आती हूँ, मैं अपनी वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, मैं देखती हूँ फर्स्ट कौन आ रहा है। तो यहाँ पर अच्छे से आपको क्या करना है, बहुत ही बढ़िया से ये पैक लगाना है, ये जो पैक मैं लगा रही हूँ उसको साफ सुथरे बालों पर लगाना है। इससे क्या होगा कि अगर आपकी एज 30+ है, यानी कि 31 साल है, 32 साल है, या फिर आप 45 के भी हैं, तो आपके बाल धीरे धीरे वाइट होने की चांसेस शुरू हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि अपने बालों में इस तरीके से पैक को हफ्ते में 1-2 बार लगा लीजिए, जिससे वाइट हेयर के जो चांसेस हैं वो रुक जाते हैं, डिले हो जाते हैं, ठीक है। तो आप केयर करते रहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके बाल हमेशा हेल्दी रहें, ग्लोई रहे, चमक रहे, उनमें शाइनिंग रहे, तो आप लोग अच्छे से अपने बालों की केयर कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, मेहनत करोगे तो रिजल्ट आते ही रहेंगे और ऐसे आएंगे कि आप हैरान हो जाओगे, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, बस करते रहना है, मैं आप लोग के साथ में हूँ सपोर्ट करने के लिए, उसके लिए बेफिक्र रहिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों का कमेंट यहाँ पर आया था बायोटीन पाउडर बनाकर दिखा दीजिए, तो ठीक है मैं आप लोगों को बायोटीन पाउडर बता देती हूँ क्या क्या सामान चाहिए। ले आइएगा 50 ग्राम काली मिर्च लेना है, ठीक है, 50 ग्राम आपको बीटरूट का पाउडर लेना है, और 50 ग्राम आपको लेना है रोजमेरी का लीफ, 50 ग्राम के करीब लेवेंडर के पेटल्स, और 50 ग्राम के करीब आपको लेना है कैमोमाइल फ्लावर, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं, थोड़े से कॉस्टली पड़ेंगे, और नहीं तो आप ड्राई फ्रूट से बना सकते हैं। 50 ग्राम काली मिर्च तो आपको कंपलसरी लेना ही लेना है, उसमें आप 50 ग्राम सनफ्लावर और पम्पकिन सीड और पीनट ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने जस्ट अभी कंघी की थी, 3-4 रील बनाई थी इस ड्रेस में, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। अब मैं जा रही हूँ कृष्णा को लेने, और देखो कितना दिक्कत होता है मुझे कि चलो कोई नहीं, ये तो मेरा ही काम है, बिकॉज कुछ लोग कहेंगे, बट फिर भी मैं अपनी फैमिली मेम्बर से तो बात कर ही सकती हूँ, जो लोग परेशान होते हैं मेरे से उनसे नहीं बात कर रही हूँ मैं। हाँ, मेरी रेमेडीज फॉलो करेंगे, मेरी चीज़ों को फॉलो करेंगे, बट मेरी तकलीफ को अपनी तकलीफ नहीं समझते हैं, तो उनसे मैं बात नहीं कर रही हूँ। वो सो रही है, वो है ना, उसको सोते हुए मुझे उठा के लेके जाना है। और अभी आप देखो मैंने ये 10 मिनट रख करके कंघी करी है प्रॉपर, ऐसे ऐसे बताऊंगी आप लोगों को, और देखो कितने सारे बेबी हेयर्स आए हैं, है ना, और आज नेल आर्ट की वीडियो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। तो चलो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी, नेल आर्ट डाल दूंगी इसमें, फिर ख़त्म करूंगी इस ब्लॉग को, फिर आगे का शूट करूंगी, क्योंकि ना कृष्णा को खाना वाना खिलाना है स्कूल से लेकर के आ रही हूं, तो उठा के लेके जाना पड़ेगा, ये देखो जो भी, चलो चलो ठीक है, मैं मिलती हूँ आप लोगों से, बाय। और अब ये यहाँ पर मैं आप लोग को वो क्लिप ऐड कर रही हूँ जो मैंने इंस्टा पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है, इस पर मैंने अपने बालों की पूरी कंघी की हुई थी और बहुत ही अच्छे बाल हो रहे हैं। ये आफ्टर हेयर वॉश है, मतलब पैक लगाने के बाद से जो बालों में कलर आया है, जो बालों में टेक्सचर आया है, वो है ये, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए मैं यहाँ पर आप लोग को कंघी करके दिखा रही हूँ अच्छी तरीके से। इससे आप लोग, मैंने यहाँ पर कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, आप लोगों का बहुत सारे लोगों का कहना ये होता है कि कंघी कौन सा यूज़ करती हूँ, तो मैं यहाँ पर
प्लास्टिक की आपकी वेगा ब्रांड की कॉम्ब आती है वो यूज़ करते हैं हम, और बहुत अच्छी होती हैं। वुडन कॉम्ब जो है ना केवल शो ऑफ के लिए है, दिखावटीपना के लिए। इतने अच्छे बाल आपके हैं, अगर हैवी हेयर है तो आपके कंघी जो है ना निकलेगी ही नहीं। लकड़ी की जो कंघी होती है वो आपके बालों के लिए है ही नहीं, उससे आपके बाल कभी सुलझ ही नहीं सकते हैं। आप स्कैल्प मसाजर के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आप लोगों को यहाँ पर रेकमेंड करूँगी कि देखो अपनी दिनचर्या में हम लेडीज़ के पास में इतना टाइम तो होता नहीं है कि खुद एक गिलास पानी लेकर के पी लें। अगर प्यास लगी है ना तो दूसरा कोई काम कर रहे हैं तो पहले हम लोग उस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं कि पहले हम रोटी बना कर दे दें बच्चों को, पहले हम बच्चों को तैयार कर दें, फिर हम पानी लेकर के पियेंगे ना। तो हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो आप जिस कंघी से कंघी करते हो बस ये चीज़ का ध्यान रखो कि थोड़ा ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेगा की जो कॉम आती है बहुत महंगी नहीं होती है, बहुत अच्छी होती है, और आप उससे कंघी करेंगे तो आपके बाल बहुत अच्छे से सुलझ जाएंगे, उलझेंगे नहीं, ठीक है। तो आप लोग वो कंघी यूज़ कीजिए जो आप यूज़ कर सकते हैं, हमेशा आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो आप वो यूज़ कीजिए। अब यहाँ पर मैं ना 3 से 4 तरीके की कंघी यूज़ करती हूँ। एक पतले तीत की कॉम यूज़ करती हूँ, एक तेल कॉम यूज़ करती हूँ, ये मोटे तीत की कॉम यूज़ करती हूँ, पार्टीशन करने के लिए मैं अलग कंघी यूज़ करती हूँ। तो मैं आप लोग के साथ में सब चीज़ दिखा चुकी हूँ, मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। मेरे हेयर फॉल बहुत ही नामात्रा के होते हैं, मैंने अपने बालों में ट्रिमिंग भी कर दी, आप लोग देख सकते हैं नी तक अभी मेरे बाल है। तो मेहनत आप करोगे, ए क्यों लड़ाई करो, कृष्णा फाड़ देगी तुम्हारी कॉपी, इधर ले करो। बस देखो कितनी सुंदर राइटिंग लिखी है आपने, फटाफट लिखो, है ना। तो बस यहाँ पर ना ओए लाडो डोंट शाउट बेटा, नहीं ऐसे नहीं करो ना, उसको दे दो, लो लो यार, ये ना बच्चे ना बहुत इरिटेट होते हैं। हाँ भाई लो लो पकड़ो यहाँ पे, इसको ना टॉय चाहिए, इसको क्या चाहिए होता, कृष्णा की सारी स्टडी की जो भी चीज़ें होती है वो चाहिए होती हैं। इतना शाउट करेगी, इतना चिल्लाएगी, और अभी वो 2 मिनट में चुप भी हो गई। बस ये हो गया ना, एक लाइन और रह गई, इसको करो फटाफट से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने मेरे कम हेयर फॉल हुए हैं, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, मैं बहुत कुछ यूज़ करती हूँ, मैं एक दो चीज़ नहीं लगाती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ। और बाल आपको अच्छे चाहिए तो आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप मेहनत करते हो तो ही आपको रिजल्ट आते हैं, ऐसा नहीं है कि हवा में आपको रिजल्ट आएंगे, नहीं। मेहनत करते रहिए, बेफिक्र रहिए, डाइट अच्छी लीजिए, टेंशन कम लीजिए, खुश रहिए, बहुत बहुत अच्छे बाल हो जाएंगे। बालों की खूबसूरती चाहिए ना तो उसके लिए आपको जी जान लगाना होता है। मेरे बाल अभी बीच में खूब सारे पतले हो गए थे जब लाडो जब हुई थी मेरी, और लाडो मेरे पेट में थी 4 महीने, बहुत दिक्कत हुई थी मुझे, और मेरा हेयर फॉल भी हुआ था, उसके बाद से मेरे हेयर फॉल ठीक हो गए थे। मैं आप लोग के साथ में वो क्लिप्स भी ऐड करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में कभी, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो मुझे अभी अपने बालों को और भी हैवी करना है, जो कि मैं प्रोसेस स्टार्ट कर चुकी हूँ, और मेरा हर हफ्ते चेंज होता रहता है ऑयल। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ अपना जो ऑयल है वो मैं यूज़ कर रही हूँ लेवेंडर, थाइम एंड आपका चिया सीड का, ठीक है। आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, हमारे मेन चैनल पर आएगा, सीरीज़ ही आएगी पूरी कंप्लीट, टॉनिक के सिरम की सभी चीज़ों की, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए आप लोग क्या बोल रहे हैं, हुआ है, ठीक है। जब आप मेहनत करते हो ना तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर एक भी हेयर फॉल नहीं हुआ है, ठीक है। और टोटल जो मेरा हेयर फॉल हुआ है वो हुआ है हमारा ये, ठीक है। मेहनत करिए, रिजल्ट्स आएंगे। तो मैं इसको बिना एडिटिंग के ही अपलोड करने वाली हूँ। और मैंने अभी आप लोग के साथ में जो हेयर मास्क शेयर किया था शॉर्ट वीडियो में जटा मासी का, वो यूज़ किया, और आप लोग देख सकते हैं बालों में कितनी ज़्यादा शाइन है, ठीक है। तो यूज़ कीजिए आप लोग भी, बाय।